आज का प्रातः क्लास है 15 जनवरी सन 1969। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाने वाला रूहानी बाप और बच्चे भी रूहानी हैं। वो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि रूहानी बाप की महिमा बच्चों ने सुनी। ज्ञान का सागर वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। शांति का सागर है। उनको सभी बेहद की सफीयतें दी जाती हैं। अभी बाप है ज्ञान का सागर और इस समय जो भी मनुष्य हैं सभी ये जानते हैं कि हम भक्ति के सागर हैं। और भक्ति में जो सबसे तीखे होते हैं उनको बहुत मान मिलता है, क्योंकि इस समय कलयुग में है भक्ति। भक्ति है तो दुख है, और सतयुग में है ज्ञान का सुख। ऐसे नहीं कहेंगे कि सतयुग में ज्ञान है, नहीं, वहां ज्ञान की रिजल्ट सुख है। तो ये महिमा सिर्फ एक बाप की है और बाप के रूहानी बच्चों की है, क्योंकि बाप अपने रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं अथवा अपने रूहानी बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है दो यात्राएं हैं, एक जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की और दूसरी है रूहानी यात्रा ज्ञान मार्ग की। वो भक्त लोग तीर्थ करते हैं तो चारों तरफ जिस्म से चक्कर लगाते हैं और उतना टाइम विकार आदि में नहीं जाते हैं। शराब आदि कोई भी छींची चीज यूज नहीं करते। कब बद्रीनाथ है, कब श्रीनाथ है, कब काशी का चक्र लगावेंगे। इस तरह चक्कर लगाते लगाते जिस्मानी भक्ति करते हैं भगवान की। अब भगवान तो एक होना चाहिए ना, भगवान के पास सभी जगह तो नहीं जावेंगे। शिव बाबा के तीर्थ का भी चक्कर लगाते हैं, शिव बाबा का सबसे बड़ा तीर्थ बनारस का तीर्थ गाया हुआ है। उसको शिव की पुरी कहते हैं। चारों तरफ जाते हैं परंतु जिनका दर्शन करने जाते हैं अथवा जिनकी भक्ति करते हैं उनकी बायोग्राफी या उनके ऑक्यूपेशन का कोई पता नहीं है।
इसलिए इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। किसकी पूजा करना, माथा टेकना और फिर भी उनकी जीवन कहानी को नहीं जानना, इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। घर में भी मनाते हैं, देवियों की कितनी पूजा करते हैं, मिट्टी की व पत्थर की देवियां बना करके बहुत उनको श्रृंगारते हैं। समझो लक्ष्मी का जड़ चित्र बनाते हैं, उनसे पूछो इनकी बायोग्राफी बताओ तो कहेंगे ये सतयुग की महारानी थी और त्रेता में सीता थी। तो सतयुग के बाद फिर उनका नंबर बतावेंगे। नंबर वार कहेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे नहीं कि सारे सतयुग में 1250 वर्ष एक नारायण अथवा एक ही लक्ष्मी का राज्य होता है, नहीं, एक एक का 150 वर्ष राज्य कहते हैं। फिर हेयर अपरेंट्स को देते हैं, तो अब बताओ कि भक्ति मार्ग में यात्राओं पर क्यों जाते हैं, ये सभी भगवान से मिलने के उपाय हैं। शास्त्र पढ़ना ये भी उपाय है भगवान से मिलने के लिए। इतने साधु संत आदि स्नान क्यों जाकर करते हैं, पवित्र बन भगवान से मिलने के लिए। परंतु भक्ति मार्ग में जो भी उपाय करते हैं भगवान से मिलने के लिए, अब वहां भगवान तो है ही नहीं, उनसे पूछो तो कहेंगे भगवान तो सर्वव्यापी है। जब सर्वव्यापी है तो इतने चक्कर क्यों लगाते हैं, कितने मूर्ख बुद्धि हैं जिनका पूरा पता ही नहीं है, उन्हें कह देते हैं ठिकर भीतर में है। फिर इतनी यात्राएं करना, भटकना क्यों, ये तो जड़ चित्र हैं। अच्छा भला पूजा करने से भगवान मिला है, फिर तुम भटकते क्यों हो। कहते हैं ये तो उनके जड़ चित्र हैं, वास्तव में हम तो चैतन्य से मिलना चाहते हैं। अभी तुम समझते हो कि भटकने से कोई ऐसे नहीं मिलना मिलते हैं, चैतन्य से मिलना नहीं होता है, ये तो पढ़ाई से ही है बनते हैं, बाप खुद आकर के पढ़ाते हैं। जिस बाप से मिलने के लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग चला है, कहते भी हैं बाबा पावन बनाओ और अपना परिचय भी दो कि आप कौन हो। ये साधु संत आदि तो कभी ये नहीं समझते हैं, आत्मा जो बिंदी है उन सभी आत्माओं का एक बाप है, उस एक बाप के सभी आत्माएं बच्चे हैं।
उन सभी आत्माओं का रहना परम धाम में होता है। उन आत्माओं को यहाँ आकर के शरीर मिलता है, इसलिए आत्मा यहाँ कर्म करती है। वहां परम धाम में तो आत्मा कर्मातीत अवस्था में बैठी रहती है। बाकी देवताओं के लिए कहेंगे ये सतयुग में राज्य करके गए हैं, और सतयुग कब था कहेंगे स्वर्ग को लाखों वर्ष हुए। अभी क्रिश्चियन लोग तो समझते हैं बरोबर गॉडफादर ने जो पैराडाइज स्थापन किया उस पैराडाइज में हम नहीं थे, ये पैराडाइज भारत में था। तो देखो उन क्रिश्चियंस की बुद्धि तो फिर भी अच्छी है, तो भारतवासियों की तो बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। उनों की तमो है तो कुछ ठीक ही रीति समझते हैं। भारतवासी सतो प्रधान बनते हैं तो फिर तमो प्रधान भी बनते हैं। वो क्रिश्चियंस इतना सुख नहीं देखते हैं तो इतना दुख भी नहीं देखते हैं। ये बात भी तुम समझते हो, उनका सुख अभी पिछाड़ी का सुख है। अभी क्रिश्चियन लोग कितना सुखी हैं, पहले तो वो भी गरीब थे और पैसा तो मेहनत से कमाया जाता है। पहले पहले उनका एक क्राइस्ट आता है, फिर धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियंस का झाड़ कितना बड़ा हो गया, फाउंडेशन तो देवी देवता घराने का है ना। वो फाउंडेशन फिर यहाँ भारत में संगम के समय स्थापन होता है। पहले पहले एक ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा की एडॉप्शन से संतान वृद्धि को पाती है। बाप ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं तो ढेर संतान वृद्धि को पाते जाते हैं। January 1969 की वाणी का दूसरा पेज। तो पहले तो ये एक सनातन धर्म था, अब एक से कितने धर्म वृद्धि को पाए हुए हैं और कितने होने के हैं। जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी देवताएं थे इतने सभी बनने के हैं, परंतु पहले पहले तो एक बाप है, वो आत्माओं का बाप है, उनके बच्चे आत्माएं तो हैं ही। अब बताओ बाप की हम आत्माएं उनकी संतान कितनी है, कहेंगे 500 करोड़ संतान है। हम सभी आत्माओं का वो एक बाप अनादि है। फिर ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, परंतु इस सृष्टि के चक्र में सभी मनुष्य सदैव तो नहीं होते हैं, और आत्माओं को भिन्न भिन्न पार्ट बजाना है। इस झाड़ का पहले पहले थोर है देवी देवता सनातन धर्म का, फिर उन देवी देवताओं से ट्यूब से निकलते हैं,
इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन शादी, तो बाप बैठे बच्चों को समझाते हैं अब बताओ बच्चों में आकर के क्या करता हूं, आत्मा में धारणा होती है ना। बाप बैठ सुनाते हैं कि मैं कैसे आया, तुम बच्चे जो पतित बने हो तो उनको याद करते थे, सत्य को त्रेता में तो तुम बहुत सुखी थे तो याद भी नहीं करते थे। द्वापर के बाद जब दुख जास्ती हुआ है तब तुमने पुकारा है कि हे परमपिता परमात्मा बाबा, तो बच्चों ने सुना अभी क्या चाहते हो, कहते हैं बाबा आओ हम बहुत पतित बने हैं, अब बहुत दुखी हुए हैं, अभी आ करके हमको पावन बनाओ, हमारे पर कृपा करो, आशीर्वाद करो। तो देखो तुम बच्चों ने ही मुझको पुकारा है कि बाबा आ करके हम पतितों को पावन बनाओ। पावन बनाने के लिए बुलाया है, और पावन तो सतयुग को कहा जाता है। ये बात भी बाप खुद बैठ बताते हैं कि सत्य बाप आकर के सत्य धाम ले जाते हैं और पावन सत्य दुनिया में सतो प्रधान सतयुग में भेज देते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जब संगम युग आता है, जब षष्ठी पुरानी होती है, तो सभी मनुष्य मलेच्छ बन जाते हैं। पतितों को मलेच्छ कहेंगे, ये नाम मलेच्छ क्यों पड़ा, मल गंध को कहा जाता है, मल की इच्छा करने वाले को मलेच्छ कहा जाता है। ये देवताएं तो हैं पावन, इसलिए पतित मनुष्य उन्हों को जाकर के माथा टेकते हैं। सन्यासियों ने भी विकारों को छोड़ा है। अभी तुम समझते हो सन्यास दो प्रकार का है, उनका है हठ योग, उनको राजयोग नहीं कहा जाता है। एक तो भगवान को जानते ही नहीं है और दूसरे उनसे मिलने के लिए घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। कहते हैं स्त्रियां नागिन होती हैं, डस लेती हैं, परंतु बाप कहते हैं स्त्री नागिन हुई तो तुम भी तो नाग हुए ना। परंतु वो अपन को नाग समझते नहीं है। स्त्री नागिन के साथ जरूर खुद भी नाग बन जाते हैं, तो उनका है हद का संन्यास, घर बार छोड़ करके जाकर जंगल में रहते हैं। वो जाकर के गुरुओं के फॉलोअर्स बनते हैं। गोपी चंद राजा के लिए भी एक कथा सुनाते हैं। उसने कहा तुम घर बार छोड़ते क्यों हो, कहां जाते हो,
शास्त्र में बहुत कुछ कच्चा कहानियां आदि लिखी हुई। अभी तुम ब्रह्मा कुमारियों और राजाओं को भी जाकर के ज्ञान योग सिखाते हो। ब्रह्मा कुमारियों ने भी राजाओं को ज्ञान योग सिखाया है। एक अष्टावक्र गीता भी है जिसमें दिखाते हैं कि राजा को वैराग आया, बोला हमको कोई परमात्मा से मिला भी, फिर ढिंडोरा पिटवाया। अभी वो यही समय है, तुम जा करके राजाओं को ज्ञान देते हो बाप से मिलाने के लिए। जैसे जैसे तुम बाप से मिले हो वैसे वैसे औरों को भी मिलाना है। इस पर एक कहानी बनाई है। तुम्हारे में से एक गई, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत बनते हो भविष्य में। अब देखो ये कहानी कैसी बैठ बनाई है। एक गए राजा के पास, तो रास्ते में शिव पार्वती बैठे थे। कब उनको शंकर पार्वती भी कह देते हैं, क्योंकि वो तो शंकर पार्वती में भेद नहीं समझते हैं। तो उन्होंने देखा ये राजा के पास जाते हैं, सुंदर तो बहुत हैं। अभी तुम तो जानते हो कि तुम आत्मा प्योर खूबसूरत बनते हो, बाप आत्मा को खूबसूरत बनाते हैं, तो फिर शरीर भी खूबसूरत गोल्डन एज मिल जाता है। तो पार्वती ने देखा कि ये तो नमस्कार भी नहीं करते हैं, इनको खूबसूरती का हक है। तो उनको बोला तुमको तो अहंकार है अपनी खूबसूरती का, जाओ तुम कुबराष्टवक्र बन जाओ। तो ऐसे सचमुच हो गया। अब ऐसा कोई होता नहीं है कि आठ जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। ये तो कहानी बैठ बनाई है। अच्छा समझो, वो राजा के पास गया तो राजा ने कहा ये कुबड़ा हमको ज्ञान कैसे देगा, ये हमको भगवान से कैसे मिलावेगा। तो उसने कहा राजा जी आप मेरे शरीर को नहीं देखो, मेरी आत्मा को देखो, मैं तुमको भगवान से मिलाऊंगा और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम बच्चे भी कहते हो कि हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति दिलवावेंगे, फिर उस राजा को वो जंगल में ले गया और बोला कि शिव बाबा को याद करो, सिवाय एक शिव बाबा के और कोई को याद नहीं करना, बस। देखते देखते वो राजा ध्यान में चला गया।
तुम्हारे पास भी शुरू में बैठे बैठे एक दो देखते देखते ध्यान में चले जाते थे। बड़ा वंडर लगता था। इनमें बाप था ना, तो वो बाप चमत्कार दिखाते थे। वो सभी की रस्सी खींच लेते थे। तो ये बाप दादा इकट्ठे हो गए, कब्रस्तान बनाते थे, सभी बाप की याद में सो जाओ। तो सभी ध्यान में चले जाते थे। ये सारी शिव बाबा की चतुराई थी। कोई फिर इसको जादू समझने लगे। अब ये था तो शिव बाबा का खेल, क्योंकि बाप जादूगर भी है, सौदागर भी है, रत्नागर भी है, वो धोबी भी है और सोनार भी है, वकील भी है। सभी को रावण की जेल से छुड़ा कर ले जाते हैं। उनको सभी बुलाते भी हैं, ये पतित पावन दूर देश के रहने वाले आओ, आ करके हमको पावन बनाओ, और आओ भी पतित दुनिया में और पतित शरीर में आओ, और आ करके हमको पावन बनाओ। 15 जनवरी 1969 की वाणी का तीसरा पेज। अभी तुम उनका भी अर्थ समझते हो। बाप आकर बतलाते हैं, तुम बच्चों ने रावण के वश में आकर हमको बुलाया है, हम तो परम धाम में बैठा था, और स्वर्ग स्थापन करने के लिए मुझे नरक रावण के देश में बुलाया, बोला हमको सुखधाम में ले चलो। तो अभी तुम बच्चों को ले जाते हैं। तो ये भी ड्रामा है। मैंने जो तुमको राज्य दिया था वो पूरा हुआ, फिर द्वापर से रावण चला आया, 5 विकारों में गिरते रहे। उस रावण के फिर चित्र भी हैं। गिरावट के चित्र जगन्नाथपुरी में है ना, जो पहले नंबर में था वही फिर 84 जन्म ले अभी पिछाड़ी में है। फिर उनको ही पहले नंबर में जाना है। ये ब्रह्मा बैठा है और विष्णु भी बैठा है, परंतु इन ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है दुनिया कोई भी पता नहीं है, कोई भी दुनिया में जानते नहीं है। ये ब्रह्मा सरस्वती, ये वास्तव में सतयुग के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, अभी नरक के मालिक हैं। अब ये तपस्या कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए तपस्या कर रहे हैं। दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है, और बाप भी यहां ही आए हैं। इसलिए अभी लिखते भी हैं कि आबू सब तीर्थों में, सभी धर्मों के मुख्य तीर्थों में मुख्य तीर्थ है, क्योंकि यहां ही बाप आकर के सर्व की सदगति करते हैं।
तुम शांति धाम होकर के फिर स्वर्ग में जाते हो और सभी शांति धाम चले जाते। वो जड़ यादगार है और ये चैतन्य है। जब तुम चैतन्य में वो बन जावेंगे फिर भक्ति मार्ग में ये यादगार बनावेंगे, तुम्हारा ही भक्ति मार्ग में यादगार बनता है। अभी तो तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, तो मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है। तुम तो अभी समझते हो कि ये भारत ही स्वर्ग था, वो ही भारत अभी नरक है। ये चक्र देखने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। जानते हो सतयुग में थोड़े देवताएं होते हैं, मनुष्य भी थोड़े, फिर द्वापर से और धर्म आते हैं तो मनुष्य भी बढ़ते जाते। अभी देखो कितने धर्म हो गए हैं, कितने मनुष्य हैं। ये है ही आयरन एज। तुम तो अभी संगम युग पर हो और सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कलयुग में सभी हैं पत्थर बुद्धि, संगम युग में तुम पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ करते हो। पहले तो तुम ही पारस बुद्धि थे, अभी तुम ही पत्थर बुद्धि बने, फिर अभी पारस बुद्धि बनना है। अभी बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया और मैं आया हुआ हूं और तुमको कहता हूं काम को जीतो जगत जीत बनेंगे। मुख्य तो ये विकार ही हैं। सतयुग में तो सभी निर्विकारी होते हैं, कलयुग में होते हैं विकारी। अभी बाप कहते हैं ये विकारी कैसे जगत के मालिक बनेंगे, तो अभी निर्विकारी बनो। 63 जन्म विकार में गए, तो अभी ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूं, तो जरूर तुमको स्वस्थिति में स्थिर कराऊंगा। तुम स्वस्थिति में स्थिर रहेंगे तो पतितपने से दूर हो जाएंगे। अभी मेरी श्रीमत पर चलो, अपन को आत्मा समझो। इस पतित देह को भूल जाओ, ये 5 तत्व भी पतित हैं। पहले तत्व पतित बने, पतित से पावन बनेंगे या पहले आत्मा बनेगी? तो अपन को आत्मा समझो। मैं जो कहूं सो सुनो, इन शास्त्रों का भूसा बुद्धि से निकाल दो। इन शास्त्रों आदि ने तुमको इस हाल में पहुंचाया है कि तीर्थ यात्राएं आदि करते करते तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। ये बात समझाने के लिए सीढ़ी बनाई है। अभी तुम तो पारस पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि तुम ही पूरी सीढ़ी चढ़ते हो और तुम ही उतरते हो। तो तुम जैसे कि जिन्नात हो,
एक जिन्न की भी कहानी है। उसने बोला हमको काम दो, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। तो कोई ने बोला सीढ़ी चढ़ो और उतरो। बहुत मनुष्य कहते हैं कि भगवान को क्या पड़ी थी जो सीढ़ी चढ़ाते और उतराते रहते हैं। ये भगवान को क्या हुआ जो ऐसी सीढ़ी सुनने चढ़ने और उतरने के लिए बनाई है। भाप समझाते हैं ये तो अनादि खेल है चढ़ने और उतरने का। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं, सीढ़ी नीचे उतरते गए तो देखो तुम्हें को उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं, फिर तुम ऊपर जाते हो 1 सेकंड में। ये 1 सेकंड में ऊपर जाने की प्रैक्टिस तुमसे अभी कराए रहे हैं। फिर जाते तो नंबर वार ही है कि सब 1 सेकंड में चले जावेंगे। ये तुम्हारी ये योग बल की दौड़ है, इसे लिफ्ट भी कह सकते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जावेंगे। बाप आते हैं तो सेकंड में तुम ऊपर चढ़ जाते हो। फिर नीचे उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। कलाएं कम होती जाती हैं तो चढ़ने की तुमको लिफ्ट मिली हुई है। लिफ्ट बड़े बड़े आदमियों को मिलती है या सभी को मिलती है? सेकंड में जीवन मुक्ति। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है, फिर आस्ते आस्ते तमो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको 5000 वर्ष लगे। अच्छा, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ये एक अंतिम जन्म पुरुषार्थ करो। लंबे समय का पुरुषार्थ तुमको 1 सेकंड में ऊपर चढ़ाई देगा। अभी जबकि मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूं, तो तुम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे? तुमको कहते भी है ना कामेषु क्रोधेषु, विकार में न मिलने से फिर स्त्री को मार भी देते हैं। इतना क्रोध में आ जाते हैं तो उनको सतो प्रधान आत्मा कहेंगे या तमो प्रधान आत्मा कहेंगे? कोई तो नंगा करके बाहर भी निकाल देते हैं। कपड़ों में आग लगा देते हैं। अभी देखो अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। काम की आस पूरी न होने से कितना मारते हैं, घर से निकाल देते हैं, बहुत अत्याचार होते हैं। गुरु लोग भी विकार करके गंदा बनाए देते हैं।
कैसा कैसा संग का रंग लग जाता है। अभी माइयां बाबा को लिख कर देती हैं, कोई लिखती है भाई ने हमको खराब कर दिया, बाप ने हमको खराब कर दिया, गुरु ने हमको विकारी बनाया। बाबा पूछते हैं कि छोटेपन में तुमको कोई विकार आया हो तो बताओ। इस जन्म की ये बात पूछते हैं, पूर्व जन्म का तो कोई कोई याद ही नहीं रहता। पूछते हैं कोई ने तुम्हारा ब्रह्मचर्य भंग किया हो तो बताओ, तो लिख कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं लिख कर देना पड़े, अभी मूल बात बाप समझाते हैं कि एक को याद करो। बल तुम संग में बहुतों के आए हो, परंतु और सभी को भूलो, एक बाप को याद करो। ये देह को भी भूल जाओ, देह के सभी संबंधों को भूल जाओ, और सब प्रकार के संबंधों से मुझे एक बाप को याद करो। परंतु इस बात में बड़ी मेहनत है, बाबा को चार्ट लिख करके भेजते हैं कि सारे दिन में हमने इतना याद किया। जो गरीब होते हैं वो तो जट लिख देते हैं। बाबा जी जानते हैं तो कुछ जानते हैं तो सामने दी कि तो अपना देखो अपना ये बोलते हैं तो आपको याद करने के लिए तो प्रक्रिया में कई जगहदारी याद आ रही है। अब जिनका इंद्रियों से संग किया है, जैसे जिनको आंखों से देखा जाता है तो याद आते हैं, जिन इंद्रियों से भी जो भी जैसा संग किया है वो याद तो जरूर आवेगा। अभी बाप को भी कैसे याद करते हैं, बाप को भी साकार में आने की क्या दरकार है। साकार में आते हैं तो तुमको संग का रंग लगता है, आंखों से देखेंगे तो याद तो आवेगा ना। परंतु देखेंगे भी वो जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठा होगा, ज्ञान नहीं होगा तो सामने बैठे रहेंगे, आंखें खुली रहेंगी और बुद्धि कहां भागेगी, बाहर की दुनिया में देहदारियों के पास भाग जाएगी। तो बाबा बतलाते हैं कि गरीब तो झट बताई देते हैं, साहूकारों को तो बहुत मान मर्तबा आता है। अब ये सभी भूलना पड़े। कन्या की शादी होती है तो पति में बच्चों में सभी में मोह हो जाता है। परंतु पहले पहले क्या होता है, जब सगाई होती है, पहले जब सगाई होती है तो सतो प्रधान होती है बुद्धि कन्या की, तो एक को याद करती है, पियर घर की याद आती रहती है। क्योंकि और कोई का संग का रंग ही नहीं लगता। माँ बाप होते हैं बस, तो ये भी माता पिता है ना, तो गाते भी हैं तुमेव माता च पिता तुमेव।
बाबा आप ही हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, हम पवित्र से अपवित्र बन जाते हैं, फिर बाद में फिर बाप आकर पवित्र बनाते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वालों को वास्तव में सन्यासियों को गुरु बनाना निषेध है। वो सन्यासी तो हठयोगी होते हैं, हठ पूर्वक इंद्रियों का दमन करते हैं। तुम तो सहज सहज इंद्रियों को वश में करते हो। वो सन्यासी तो हठ योगी हैं। जो सन्यासी हठ योगी है वो राजयोग तो नहीं सिखा सकते, वो तो घर बार छोड़ देंगे और छोड़वाए देंगे। उनों का निवृत्ति मार्ग ही अलग है। ये ब्रह्मा भी पतित था, और ये लक्ष्मी नारायण तो पावन कहे जाते हैं। क्योंकि वहां पांच विकार होते ही नहीं हैं। तो ये खेल का राज बाप ही बैठ समझाते हैं। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का क्या खेल है, और तो कोई इस बात को जानते ही नहीं है। इन निवृत्ति मार्ग वालों को तो शास्त्र पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। यात्राओं पर भी असल में ब्राह्मण ले जाते हैं। अभी तो सन्यासी भी जाने लगे हैं। गुरु भी सन्यासियों को कहते हैं। तुम कोई सन्यासी लोग विधवा आर्फन बनाते हैं, घर से बाप चला गया तो आर्फन बन जाते हैं, विधवा बन जाती है। फिर वो विधवा माताएं जाकर के उन्हों के पांव धोती है। कितनी अज्ञानता, कितनी मूर्खता है। जिन्होंने आर्फन और विधवा बनाया उन्हों के फिर जाकर के चरण धोती हैं। बाप के पास आते हैं तो समझ मिल जाती है। जब समझ मिल जाती है तो भक्ति मार्ग छोड़ देते हैं। ये भक्ति मार्ग है ही भूलों का घर। जहां से जाते हैं मुझ पड़ते हैं। जैसे भूल भुलैया में होता है, बाहर निकलने का दरवाजा मिलता ही नहीं। एक ही बाप रास्ता बताते हैं। वो सन्यासी तो कह देते हैं भले कुछ भी करो, भक्ति करो, शास्त्र पढ़ो, तीर्थ करो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। बाप कहते हैं रास्ता तो एक ही है, इसलिए तुम लिखते भी हो गेटवे टू हेवन इज महाभारत। भक्ति मार्ग में कितना मुजहरा है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। फिर बोलना शुरू कर दिया, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। और विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते। हम तो एक ही याद में रहते हैं।
और हमको सिखलाने वाला एक ही बाप है। वो कैसे सिखलाते हैं सो आकर के समझो, और ऐसी बात लिखो जो सुनने बगैर रह न सके। लिखो योग बल से विश्व की बात सही कैसे मिलती है सो आकर के समझो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत विश्व का मालिक था, फिर 84 जन्मों के बाद भारत का ये हाल हो गया। ऐसे ऐसे लिखो फिर देखना कितने ढेर के ढेर आते हैं। बच्चों की बुद्धि में है हम आत्माएं अब जा रही हैं, हमारा ये शरीर पुरानी जूती बन गया। बाप ने कहा है मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो, ये सभी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, ये शरीर भी रहने के नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं यहाँ कोई साथ ममत्व मत रखो, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करो। नहीं तो देखो दुनिया में स्त्री को पति की कितनी याद रहती है, हर वो पति तो गटर में गिराए देते हैं, ये बाप तो तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर उड़ने लग पड़ती है तो ऐसे बाप को याद करते और सुदर्शन चक्र फिराते रहो। इसी सुदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, क्योंकि तुमको तो पवित्र बनना है, इतनी याद की मेहनत करनी है। अभी तुम 5 मिनट भी याद में रहते हो परंतु फिर भूल जाते हो। यहाँ सामने बैठ समझते भी हो, शिव बाबा सुनाते हैं फिर भी भूल जाते हैं, धारणा ही नहीं होती। बाप को भूल जाने के कारण पॉइंट बहुत कम धारण करते हो, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। एक दिन होगा जो हर गली में तुम्हारे सेंटर से हो जाएंगे। बाप तो कहते हैं आधा पौना 2 माइल तक भी खोलो। यहाँ आते ही हैं दर दर माथा टेकने से बचने के लिए। बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं, बुद्धि कितनी बर्थनाट्य पैनी बन जाती है, और फिर भी अहंकार देखो कितना रहता है। मैं फलाना हूं, मैं ये हूं। अभी तुम बच्चों को तो ये बुद्धि में रहना है कि हम सभी को बाप का परिचय देवे। ये दुनिया तो बहुत ही डर्टी है, स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाती है। इसलिए बाप को और स्वर्ग को याद करना है। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कितना सहज है बाप और वर्षा। अभी तुम बाप का वर्षा ले रहे हो और औरों को भी दिला रहे हो। जो बहुतों को वर्षा दिलाते हैं वो जरूर ऊंच पद पाते हैं। अच्छा, ओम शांति।